आज जो पेपर रिजल्ट आया है आपके पिछले बोर्ड का साइंस और कॉमर्स का, आपके स्कूल में क्या रहा, कितने परसेंट बच्चों ने दिए? द्रौपदी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नया बाजार कॉमर्स, ट्वेल्थ कॉमर्स में न केवल 100% बल्कि सारी लड़कियां 80 से अबव परसेंटेज लेके 30 बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं और 99% मार्क्स उन्होंने इकोनॉमिक्स, बीएस, इंग्लिश इन सब्जेक्ट्स में हासिल किए। इवन हिंदी में भी 94-95% मार्क्स हैं। 95.50% मार्क्स लेकर कृतिका वर्तिका टंडन, जो मैं सोचती हूँ अजमेर में पहले नंबर पे हो सकती हैं, क्योंकि बोर्ड की मेरिट रिलीज़ नहीं होती है इसलिए हम लोगों को ये नहीं मालूम, अजमेर में तो नंबर वन पे हो सकते हैं, ये हमारा सोच है। इसके अलावा हमारे करीब 30 बच्चे जो हैं वो 90 के लेवल पे हैं, 90% उन्होंने हासिल किया है अलग अलग सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेकर, साइंस में भी और कॉमर्स में भी न केवल 100% बल्कि हमको खुशी है कि 90 से अबव अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में और हिंदी में, बीएस में, सब में टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग, बधाई की पात्र हैं। हमारे बच्चे जो लगे रहते हैं और एनवायरनमेंट जो हम लोग देते हैं बच्चों को, जिसका ये परिणाम है कि द्रौपदी देवी स्कूल आज भी हम सोचते हैं, रिजल्ट अभी पूरा नहीं देखा है हमने अजमेर ज़िले का, तो उम्मीद है और नंबर वन पे हम लोग रहे हैं, पद्माक्षी हमारी ही होगी। दो तो अभी हमारे सामने ही खड़े हैं बच्चे जिनको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे नंबर वन आने पे अजमेर। आगे फ्यूचर के लिए क्या कहना चाहते हैं? इनको मैसेज यही है कि आगे ये लोग जहाँ भी रहें, हमारे इन प्रिंसिपल्स को याद रखें, मेहनत, डिसिप्लिन ये बहुत ज़रूरी है, हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हम लोग इनको यही सिखाते हैं हमेशा। पेरेंट्स भी लगातार हम उनसे कांटेक्ट रखते हैं और आगे ये लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे और हमारे स्कूल का नाम हमेशा की तरह जैसे आज तक होता आया है, ढेरों बच्चे CS, CA, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो ये लोग भी हमारा नाम रोशन करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इनको बहुत सारी शुभकामनाएँ, इनके पेरेंट्स को भी बहुत सारी बधाई, सारे अध्यापिकाओं को भी बधाई, मैनेजमेंट को भी। थैंक यू रंजना अग्रो। आप भी मैम को खिलाओ। मैडम एक बार सब साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ी हूँ। यहाँ का स्कूली शिक्षा वातावरण बहुत अच्छा है, इन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया है, सारी टीचर्स, मोनिका मैम, दीपिका मैम, दीपमाला, सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल मैम मनीष सर, सब ने बहुत मेहनत की है हमें आगे बढ़ाने के लिए और इसी कारण हमारा पेपर अच्छा गया है। किस चीज़ का पेपर? कॉमर्स, ट्वेल्थ कॉमर्स। कितनी बनी? 90.40। नाम का पेपर दिया था और क्या रिजल्ट मिला आपको? कॉमर्स का दिया था, 95.8% बने। किस तरह पढ़ाई करी स्कूल में, आपको किस तरह पढ़ाया गया? स्कूल में तो बहुत टीचर्स ने हमारे साथ बहुत मेहनत की है, टेस्ट लेती थी और सब टीचर्स ने हमसे बहुत मेहनत की है, मोनिका मैम, दीपिका मैम, प्रिंसिपल मैम, सबसे ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ मेहनत की है और हमारे मतलब जब हमने एग्ज़ाम देने गए थे तब बिल्कुल डर नहीं था कि बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रखी थी स्कूल में, बिल्कुल डर नहीं लगा था एग्ज़ाम में। कितना परसेंट बना आपका? 95.8। किस सब्जेक्ट में? कॉमर्स में। इसका सिरे आप किसको देंगे?
प्रिंसिपल मैम, पूरे स्कूल को, मम्मी पापा सबको। ठीक है। गुड नेम? वर्तिका। कौन से स्कूल? द्रौपदी देवी। किस चीज़ का पेपर दिया और क्या रिजल्ट रहा? कॉमर्स का पेपर दिया था और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा जी। और ट्वेल्थ कॉमर्स का मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, हमारी बहुत अच्छी परसेंटेज बनी। हमारे स्कूल वालों ने, हमारे प्रिंसिपल मैम ने बहुत मेहनत करी है पूरे साल भर से हम पे, मतलब कुछ भी हो जाए हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। रिजल्ट के टाइम पे भी उन्होंने हमारे साथ, मतलब हमारे साथ लगी रही। लास्ट टाइम पे हमारे साथ इतनी अच्छी मेहनत करी कि हमें पेपर पे, मतलब पेपर के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं रही नहीं है, मतलब हमें पेपर ईजी लगे और डर नहीं लगा हमें बिल्कुल भी। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे सीए जी, सीए की तैयारी करना चाहती हूँ और उसमें भी मैं ये चाहती हूँ कि प्रिंसिपल मैम का आशीर्वाद रहे हमारे साथ। कितना बना आपकी? 94% बनी और 97 बिजनेस स्टडी में रहे। और ठीक है, आपका नाम? सुरभि जैन, द्रौपदी देवी सारमन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। इकोनॉमिक्स में कितना?